जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार लोक शिकायत निवारण में जो भी शिकायत जाते हैं उन पर सुनवाई क्यों नहीं होती है, और यदि सुनवाई नहीं होती है तो आपके पास क्या उपचार हैं। हमको हमारे एक व्यूवर्स हैं, उन्होंने हमको कमेंट किया कि हमारे मामला को आप साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने उनका ये कहना था कि 6 महीना हो चुका है बिहार लोक शिकायत में मामला को दर्ज किए हुए, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हो रही है, न ही कोई आदेश पारित किया जा रहा है, न मामला को डिस्पोजल किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? दोस्तों ध्यान दें, यदि आपने बिहार लोक शिकायत में मामला दर्ज करवाया है या आप करवाने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, और वीडियो में हम एविडेंस के साथ आपको वो बताने जाएंगे जो आज तक आपने नहीं देखा होगा। और आपको लगता है कि बिहार लोक शिकायत में कार्रवाई नहीं होती है, नियत समय पर आपको डेट नहीं दिया जाता है, या कार्य में न्याय में आपको लापरवाही हो रही है, देरी हो रही है विभाग के द्वारा, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आज आप समझ जाएंगे कि बिहार लोक शिकायत में कितनी ताकत है, और यदि सुनवाई नहीं की जा रही है तो आपके पास क्या अधिकार है। दोस्तों बिहार लोक शिकायत निवारण एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी भी पदाधिकारी या किसी भी विभाग का शिकायत करके आसानी से आप अपना काम करवा सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया जाता है, और यह हर व्यक्ति के पहुँच पर है, क्योंकि ये सारी व्यवस्था ऑनलाइन है, और ऑनलाइन आप इसमें विभिन्न माध्यमों से फ़ोन टोल फ्री नंबर पर, ईमेल करके, रजिस्टर्ड करके, काउंटर पर जा करके या ऑनलाइन पोर्टल पर जा करके आप मामला इसमें दर्ज करा सकते हैं, कोई चार्ज भी नहीं लिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि सुनवाई इसमें किस प्रकार से होती है। दोस्तों यदि आपने ऑनलाइन शिकायत इसमें दर्ज करवाया है तो आपको क्या ध्यान देना होगा? यदि आपने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाया है तो आपका कंप्लेन सबसे पहले पटना चला जाता है, जो जहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है, वहाँ से ये देखा जाता है कि ये किस विभाग का है। और जिस वक्त आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाते हैं आपको तिथि तो उसी समय दे दिया जाता है, लेकिन वो चला जाता है पटना, वो वेबसाइट के द्वारा, पोर्टल के द्वारा आपको डेट दे दिया जाता है, उस पर तो 100% सुनवाई नहीं होगी, ये मैं पहले बता देता हूँ। दूसरी बात दोस्तों ये होती है कि वहाँ से फॉरवर्ड करके जिला आता है, जिला आने के बाद जिला देखता है कि नहीं मेरे अधिकार क्षेत्र में है या किसी और को फॉरवर्ड करना है। जब जिला आता है तो फिर आपको एक तिथि दे दी जाती है, इनको लगता है जिला में कि अनुमंडल फलना अनुमंडल में जाएगा, वहाँ जाना चाहिए, तो फिर उनको शिकायत को वहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और किसी भी स्थिति में आपका जो अनन्य संख्या है सेम रहता है, वही रहता है, जहाँ पर सुनवाई होनी है वो एक डेट सुनिश्चित कर देता है, तो 3 डेट तो आपका ऐसे फॉल्स हो गया। इसके बाद आपने जिन विभाग के विरुद्ध या जिन पदाधिकारी के विरुद्ध शिकायत किया है उनके जो लोक पदाधिकार हैं, जो वहाँ पर जिनको ये ड्यूटी दिया गया है कि लोक शिकायत निवारण में जो भी शिकायत जाएंगे उनका जवाब देना है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको भी नोटिस करना है, फिर उनसे जवाब लेना है, तब ना आपका कोई सुनवाई होगा, तो उसमें भी एक डेट मिस हो जाता है या सुनवाई भी हो जाती है। तो डेट यदि 2-4 डेट आपका लंबा हो रहा है तो आपका घबराने की बात नहीं, आप ऑनलाइन चेक करते रहें कि आपका डेट कब है। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान देने की बात यह है कि आपको 60 दिन गिनना है, जब आपने शिकायत किया उसे 60 दिन गिनना है, उस 60 दिन में सरकारी जो छुट्टी होती है जैसे रविवार हो गया या कोई पर्व त्यौहार हो गया उसको नहीं गिनना है। हम आपको कहते हैं कि आप 75 दिन गिनिए, सब कुछ बराबर हो जाएगा। इतना तक इस बीच में यानी कि 2 महीना की जगह आप 2.5 महीना देखिए, चूँकि बीच में सरकारी छुट्टी भी होती है, तो ये सबको आपको मैनेज करके चलना होगा, चूँकि उनके प्रावधान में लिखा है कि आपको वो, हम सारा एविडेंस जो भी मैं बता रहा हूँ इसका सारा एविडेंस हम आगे इसी वीडियो में आपको बताएंगे। अब बात आती है कि आपको ये देखना है कि आपको 2-2.5 महीना के दरमियान में क्या आपको सुनवाई के लिए बुलाया गया, या फिर आप तिथि पर आते हैं और आपको वापस भेज दिया जाता है कि सुनवाई नहीं होगी, और आपको ऑनलाइन उसमें चेक करना रहता है कि क्या आप में कोई कार्रवाई हो रही है, और पर डेट पर जब कार्रवाई होती है तो उसको पोर्टल पर ऑनलाइन कर दिया जाता है, आप एट ए टाइम उसको देख सकते हैं कि उस पर आज क्या कार्रवाई हुई। यदि न तो कोई कार्रवाई हो रही है, न आपको सुनवाई का मौका दिया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप कर सकते हैं क्या, वो हम पहले आपको पोर्टल पर चल के दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना यहाँ पर भूल गया, यदि आपका सुनवाई नहीं हो रही है, या तो आपको बुलाया नहीं जा रहा है सुनवाई के लिए, या फिर उस पर कोई तिथि निर्धारित करके कोई ऑर्डर पास नहीं किया जा रहा है, या फिर ऑर्डर पास कर दिया गया है और उस ऑर्डर से आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको लगता है कि ये गलत ऑर्डर पारित हो गया, आपको ढंग से सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, तो दोनों ही परिस्थिति में आप डायरेक्ट प्रथम अपील दर्ज कर सकते हैं। भले ही जो मामला लंबित है सुनवाई नहीं हो रही है उसमें लोक शिकायत निवारण कार्यालय के द्वारा कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया हो, मामला लंबित हो, आप डायरेक्ट फर्स्ट अपील प्रथम अपील दर्ज कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ।
और ये 100% सच है, इसका एविडेंस चाहिए आपको, तो उसके लिए हम आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलते हैं और इसका आपको सबूत दिखाते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर भी आप क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का जो पोर्टल है, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी सामान्य प्रशासन विभाग बिहार का, उस पर, और यहाँ पर हम आपको वो एविडेंस दिखाते हैं जो अभी हमने आपको बोला। इसके लिए आप इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इनका सभी पूरा डिटेल्स खुल जाएगा और आपको यहाँ पर सबसे यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्या परिवाद पर पारित निर्णय से विक्षुब्ध होने अथवा अन्य स्थिति में अपील दायर करने का भी प्रावधान है और इसका आधार क्या होगा। आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इनका जवाब आपको यहाँ पर खुल जाएगा। जवाब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ, कोई भी व्यक्ति जिसे नियत समय सीमा के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो। दोस्तों जो अभी हमने आपको बताया, यानी कि इसका समय अवधि है 60 दिन, छुट्टी छोड़ के, जो सरकारी छुट्टी होती है उनको छोड़ के, और यदि आपको किसी भी व्यक्ति को नियत समय सीमा के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो या लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के निर्णय से व्यथित हो, प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकता है। ये दोस्तों हम नहीं कर रहे हैं, ये आपका पोर्टल कर रहा है और यही आज आपको बताना था। कई सारे लोग इस बेचैनी में रहते हैं कि हमारा सुनवाई नहीं हो रही है, हम क्या करें। आपको 70 से 75 दिन देखना है, देखने के बाद आप डायरेक्ट प्रथम अपील दर्ज कर दीजिए। और प्रथम अपील कैसे दर्ज किया जाएगा, इसका आई बटन में हमने लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर प्रथम अपील करने का, क्या ऐसा ना हो दोस्तों कि जैसा आपने पहले किया और सुनवाई नहीं हो सकी, उसका प्रथम अपील या द्वितीय अपील दर्ज करने का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। आपको आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहां से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि सही तरीका क्या है। हमने भी कई सारे मामला लोक शिकायत में लेके गए और जीत हासिल भी है। वीडियो देखकर आप करें, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो हम आपको कह रहे थे उसका हमने पोर्टल पर दिखा दिया और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करे ऐसे अनुपालन से व्यथित कोई भी व्यक्ति सीधे प्रथम अपीलीय प्राधिकार को प्रवाद प्रस्तुत कर सकता है। तो यदि आपके भी मामले में सुनवाई नहीं हो रही है तो आप डायरेक्ट प्रथम अपील दर्ज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में यही आपको मूल जानकारी बतानी थी। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट करें। आप ही का सपोर्ट हमको नए नए टॉपिक और रिसर्च करके आपके सामने लाने पर हमको मजबूर करता है। आप ही का प्यार देख करके हमको नए नए वीडियो और नए नए जानकारी आपको आप तक पहुँचाने में हमको हौसला और एनर्जी मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, जय हिंद।